अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर एंथी और मैं हूँ डॉक्टर अमारा फयाज। आज जो मैं एक टॉपिक डिस्कशन का सोच रही थी वो टॉपिक है टाइफॉइड और कोविड-19। टाइफॉइड और कोविड-19 का यानी कि आप सोच रहे होंगे क्या रिलेशन है, या मैं इस तरह से ये टॉपिक मिक्स करके क्यों लेके आई हूँ। वो इसलिए कि जब पाकिस्तान में कोविड-19 का पैंडेमिक जब पाकिस्तान की तरफ से रुख किया अपना, तो ये ट्रेंड देखने में आया कि एकदम से साथ ही टाइफॉइड के केसेस में भी राइज आ गया, और एकदम से एक ऐसी सर्ज आई, एक पीक आई टाइफॉइड के केसेस में, कि यहाँ तक समझा जाने लगा कि पाकिस्तान में टाइफॉइड और कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो है वो उनकी इकट्ठे वबा फैल गई है, यानी इकट्ठे पैंडेमिक को एग्जिस्ट कर रही है। तो इसकी वजह क्या थी, जब थोड़ा सा स्टडी किया गया तो उसकी वजह पता चली कि जाहिर बात है, ये बात हम सबको पता है कि कोविड के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कोई डिस्क्रीट नहीं है, कोई अलग से खास जैसे हर बीमारी के सिम्टम्स पता होते हैं, कोविड-19 के बारे में भी इतना पता नहीं है, इतनी स्टडीज़ के ऊपर नहीं हुई हुई, तो नहीं पता इसके सिम्टम्स किस तरह के हैं या ओवरलैपिंग से सिम्टम्स हैं बाकी बीमारियों के साथ। तो अब इसमें क्या था कि वजह क्या बनी कि बहुत सारे डॉक्टर हजरात मतलब उन्होंने टाइफॉइड के सिम्टम्स की तरह से, जैसे ठीक है बुखार हो गया और खांसी वगैरह नहीं है और कुछ नहीं है, एब्डोमिनल सिम्टम्स आए, पेट में दर्द आया, तो उन्होंने टाइफॉइड का टेस्ट लिखा और टाइफॉइड पॉजिटिव आ गया और पेशेंट समझ रहे हैं मुझे टाइफॉइड है, और असल में वो टाइफॉइड नहीं था, वो कोविड-19 का मतलब पेशेंट है या कोविड-19 पॉजिटिव केस है। अब उसमें इस तरह से उसकी भी वजह क्या है कि डॉक्टर्स आपको नहीं पता, पता तो होता है, अब वो वजह क्या है कि पूरी वर्ल्ड ओवर मतलब कि पूरी दुनिया में टाइफॉइड को डायग्नोसिस के लिए टाइफीडॉट का टेस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, रिलायबल नहीं समझा जाता इसे, बिकॉज ये बहुत सारे केसेस में फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। तो लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अभी भी ये इन प्रैक्टिस है, लोग लिखते हैं, और जाहिर बात है जब अगर कोई आपको ऐसा केस मिल जाए जिसके आपके सिम्टम्स आपको लग भी रहे हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो टाइफीडॉट थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से डॉक्टर साहब प्रेफर करते हैं अपने पेशेंट की बेहतरी के लिए। तो अब आगे फ्यूचर में, अब अल्लाह ताला ने हमें पहली दफ़ा तो बचा लिया, अब पूरी दुनिया में सेकेंड वेव जिस तरह से दोबारा आ रही है और हमें भी डाउट है, हम पाकिस्तान में भी रोज़ाना बढ़ते हुए केसेस, बढ़ती हुई डेथ जो है कोविड-19 से, तो उसके लिए हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर इन केस अल्लाह ना करे इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, अगर सिम्टम्स आते हैं कोई भी आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहा, आपको फीवर है, नज़ला है, खांसी जुकाम है, तो आप लोग डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं, आपका डॉक्टर आपको अगर टाइफॉइड इन केस रिकमेंड कर भी रहा है और वो पॉजिटिव आ भी रहा है, तो आपने अपने आपको आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने का फायदा क्या होगा कि चलें आप इन और आप कोविड का टेस्ट भी करवाएं और उसका रिजल्ट आने तक अपने आपको आइसोलेट रखें, इनकेस वो नेगेटिव आता है तो यू आर गुड टू गो, लेकिन अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपने पहले से अपने आपको आइसोलेट किया होगा और आप अपने इर्द गिर्द के अपने प्यारों को जरासीम नहीं लगा रहे होंगे, क्योंकि अगर हमने बर्दाश्त कर भी लिया है उसका नुकसान कोविड-19 का, तो जो हमारे इर्द गिर्द, हमें नहीं पता कौन कितना कमजोर है कि वो उसकी इम्यूनिटी, किसकी इम्यूनिटी इतनी कम है कि वो उसे बर्दाश्त कर पाए या ना कर पाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा पेशेंट एजुकेशन भी ज़रूरी है हमारे यहाँ, और ये पेशेंट को खुद भी समझने की ज़रूरत है कि वाकई इस तरह से, अगर मेरे पास भी ये कोविड-19 के दौरान बहुत सारी कॉल्स आती थी, मेरा टाइफाइड पॉजिटिव आ गया, मुझे टाइफाइड हो गया, मैं फलानी दवाई खा रहा हूँ, मैं बाहर फिर रहा हूँ, तो मतलब मेरी सबको यही एडवाइस होती थी कि नहीं आप आइसोलेट हो जाएं, ठीक है, जब तक कोविड का रिजल्ट नहीं आता। अगर आप कोविड PCR नहीं करा सकते, कोविड के लिए वही टेस्ट है, अगर आप PCR नहीं करा सकते तो आप वेट कर लें, आइसोलेशन में रहें और उसके बाद आप एंटीबॉडीज करा लें। अगर नहीं, वो भी नहीं करा सकते, तो उसका हाल ही है कि 10 डेज के बाद मोस्टली जो स्टडीज कहती हैं कि वायरस शेडिंग कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो आप 10 डेज आइसोलेशन में रहें, उसके बाद आप यू आर गुड टू गो आउट और आप अपनी रूटीन में जिस तरह से भी एक्टिविटीज हैं वो कैरी आउट कर सकते हैं। बट टाइफीडॉट का अब ये भी नहीं है कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको डॉक्टर ने टाइफॉइड लिख के दिया है और आपका पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स पॉजिटिव ही है, ऐसा भी नहीं है। टाइफॉइड अगर है तब भी टाइफॉइड पॉजिटिव आ सकता है, और टाइफीडॉट टेस्ट से मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इसमें लेबॉरेटरी का कसूर नहीं होता, टाइफीडॉट टेस्ट अनरिलायबल है, वर्ल्ड ओवर इसको अनरिलायबल कंसिडर किया जाता है, ये और भी बहुत सारी बीमारियां जिनके अंदर ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, ये टेस्ट का कसूर है, लेबॉरेटरी का या डॉक्टर की खामी नहीं होती। तो इसमें इस तरह से है कि अगर इसीलिए अगर किसी को कोविड है तब भी वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर किसी को टाइफाइड नहीं भी है, किसी को TB है तब भी वो पॉजिटिव शो कर रहा है, और इस तरह की और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर टाइफीडॉट टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है। तो टाइफॉइड के लिए क्या किया जाए, क्वेश्चन तो ये है। तो टाइफॉइड के लिए बेहतरीन टेस्ट जो है वो ब्लड कल्चर एडवाइस किया जाता है ऑन द 10th डे ऑफ फीवर। तो अगर तो आपको टाइफॉइड के सिम्टम्स हैं और आपको डॉक्टर ने पेरिकली मतलब यानी कि टेस्ट कराने से पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दी है, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपको 10th डे तक आराम आ जाएगा। अगर नहीं भी आप बेहतर होते तो 10th डे पे जब ब्लड कल्चर कराएंगे
तो उसमें डेफिनेट डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपको टाइफाइड था या नहीं था या जिस तरह से भी। और तो उम्मीद है कि आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैं काफ़ी पेशेंट्स को समझा समझा थक गई थी, वो लोग ये इस बात को कंसिडर नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जैसे मैंने कह दिया है कि लेबॉर्टरी गलत है या डॉक्टर ने क्यों टेस्ट लिख दिया, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ आइडिया हुआ होगा, और खुद भी समझें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट मैसेज, नए मैसेज से। अल्लाह हाफिज़।